हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि स्टडी आईक्यू जीके। आज मैं आपके लिए अगस्त 2020 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ CRPF। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, PS रानिप्से। तो फ्रेंड्स, PS रानिप्से CRPF के नए महानिरीक्षक नियुक्त हुए हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में CRPF की बात हुई है। CRPF की फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। फॉर्मेशन 27 जुलाई 1939 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं और फ्रेंड्स, CRPF का मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who has been appointed as the new chairman of UPSC? Right answer is option C, Pradeep Kumar Joshi. Friends, Pradeep Kumar Joshi UPSC के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। Friends, Pradeep Kumar Joshi Arvind Saxena को replace करेंगे। और यहाँ बात UPSC की हुई है। UPSC की full form है Union Public Service Commission। Formation 1st October 1926 को हुई थी और headquarter New Delhi में है। Next question is UNESCO has declared which Indian state as the first state to become tsunami ready? Right answer is option B, Odisha. Friends, UNESCO ने भारत में सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य उड़ीसा को घोषित किया है। फ्रेंड्स, यहाँ बात यूनेस्को की हुई है। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन 4th November 1946 को हुई थी। हेडक्वार्टर पेरिस में है और करंट डायरेक्टर जनरल ऑड्रे ओजोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन रेलवेज हैज लॉन्च्ड विच ऐप फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, OHE। फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए OHE ऐप को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, यहाँ बात OHE की हुई है। OHE स्टैंड्स फॉर ओवरहेड इक्विपमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ बात इंडियन रेलवेज़ की भी हुई है। तो इंडियन रेलवेज़ की फॉर्मेशन 16th April 1853 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। करंट रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं। चेयरमैन ऑफ इंडियन रेलवेज़ विनोद कुमार यादव हैं और फ्रेंड्स, RPFS के डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिलीज्ड एनवी स्टैट्स इंडिया 2020 रिपोर्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, NSO। फ्रेंड्स, NSO ने एनवी स्टैट इंडिया 2020 रिपोर्ट को जारी किया है। यहाँ बात NSO की हुई है। NSO की फुल फॉर्म है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। फॉर्मेशन 1st April 1996 को हुई थी और हेडक्वार्टर लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड कर्म साथी प्रकल्प स्कीम। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ने कर्म साथी प्रकल्प योजना को शुरू किया है। फ्रेंड्स, कर्म साथी प्रकल्प योजना का उद्देश्य 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और सॉफ्ट लोन और सब्सिडी प्रदान करना है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में वेस्ट बंगाल स्टेट की बात हुई है। तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। चीफ मिनिस्टर ममता बैनर्जी हैं। गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट TBN राधाकृष्णन हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की लोकसभा सीट्स की तो 42 हैं, राज्यसभा सीट 16 है और विधानसभा सीट्स 294 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन फर्स्ट प्राइज इन स्मार्ट इंडिया हैकेथन 2020। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, DIIT। फ्रेंड्स, स्मार्ट इंडिया हैकेथन 2020 में DIIT ने प्रथम पुरस्कार जीता है। इस क्वेश्चन में बात DIIT की हुई है। DIIT की फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। फॉर्मेशन 1952 को हुई थी। हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है और DIIT के वाइस चांसलर CP रामानारायण हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज वर्ल्ड आदिवासी डे ऑब्जर्व्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 9th अगस्त। फ्रेंड्स, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द अमेजिंग अयोध्या बुक। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नीना राय। फ्रेंड्स, नीना राय ने अमेजिंग अयोध्या पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज BCCI हैज कैंसल्ड टाइटल स्पॉन्सरशिप विद विच कंपनी फॉर IPL 13।
राइट आंसर इज ऑप्शन सी वीवो। फ्रेंड्स, बीसीसीआई ने आईपीएल 13 के लिए वीवो कंपनी के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप का समझौता रद्द किया है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हुई है बीसीसीआई की। बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। फॉर्मेशन 1928 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन सौरभ गांगुली हैं। बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी हैं और सेक्रेटरी जे शाह हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रजिस्टर कोविड-19 वैक्सीन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी रशिया। फ्रेंड्स, कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर करने वाला पहला देश रशिया बना है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हुई है रशिया कंट्री की। तो रशिया यूरोप एंड एशिया कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। कैपिटल मॉस्को है। करेंसी रूबल है और करंट प्रेजिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डॉक्यूमेंट्री फिल्म हैज वन अवार्ड इन 20th न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल। राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, दैट इज मुथोन एंड सनराइज। फ्रेंड्स, दोनों डॉक्यूमेंट्रीज मुथोन एंड सनराइज को 20वें न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म। राइट आंसर इज ऑप्शन ए नितिन सेठ। फ्रेंड्स, नितिन सेठ ने एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी योगेंद्र यादव। फ्रेंड्स, मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक योगेंद्र यादव हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहम्मद ओल्ड बिलाल बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। राइट आंसर इज ऑप्शन बी मॉरिटानिया। फ्रेंड्स, मोहम्मद ओल्ड बिलाल मॉरिटानिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ बात मॉरिटानिया देश की हुई है। तो मॉरिटानिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। कैपिटल नुआकशॉट है और करेंसी मॉरिटानियन ओगुइया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च्ड कृषि मेघ डेटा रिकवरी सेंटर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर। फ्रेंड्स, नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मेघ का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए सोमा मॉन्डल। फ्रेंड्स, सोमा मॉन्डल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है सेल की। सेल की फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फॉर्मेशन 19 जनवरी 1954 को हुई थी और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड महिला किशोरी सम्मान स्कीम एंड मुख्यमंत्री दूध उपहार स्कीम फॉर गर्ल्स एंड वीमेन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए हरियाणा। फ्रेंड्स, हरियाणा राज्य सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला व किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना को शुरू किया है। फ्रेंड्स, इस स्कीम के अंडर जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो फ्री फोर्टिफाइड मिल्क प्रोवाइड करेगी चिल्ड्रन प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स को। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हरियाणा स्टेट की बात हुई है। तो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट रविशंकर झा हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम हरियाणा की लोकसभा सीट्स की बात करें तो 10 हैं, राज्यसभा सीट्स 5 हैं और विधानसभा सीट्स 90 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2021। राइट आंसर इज ऑप्शन डी इंडिया। फ्रेंड्स, इंडिया ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेज़बानी करेगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हुई है ICC की। तो ICC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। फॉर्मेशन 15 जून 1909 को हुई थी। हेडक्वार्टर दुबई में है और करंट CEO मनु साहनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज टाइड अप विद विच कंपनी फॉर स्टार्टिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी गूगल। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल कंपनी के साथ समझौता किया है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में गूगल की बात हुई है। तो गूगल एक सर्च इंजन है। फॉर्मेशन 1998 को हुई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। फाउंडर्स लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन हैं
और गूगल के करंट सीईओ सुंदर पिचाई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री टिक एसटीएफएस वायरस हैज बीन फाउंड। राइट आंसर इज ऑप्शन डी चाइना। फ्रेंड्स, चाइना देश में टिक एसटीएफएस वायरस पाया गया है। इस क्वेश्चन में बात चाइना की हुई है, तो चाइना एशिया कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, कैपिटल बीजिंग है, करेंसी रेनमिन भी है और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्विक विल सेट अप द फर्स्ट ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर ऑफ सिल्क इन विच स्टेट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, क्विक अरुणाचल प्रदेश राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पाद केंद्र को खोलेगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्विक की बात हुई है। क्विक स्टैंड्स फॉर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। फॉर्मेशन 1956 को हुई थी, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और प्रेजेंट चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज टाइड अप विद भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस फॉर स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो फ्रेंड्स, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी के लिए समझौता किया है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हुई है एयरटेल पेमेंट्स बैंक की। तो फॉर्मेशन 2017 में हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और करंट सीईओ अनुभ्राता विश्वास हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च्ड वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल। राइट आंसर इज ऑप्शन सी हरियाणा। तो फ्रेंड्स, हरियाणा राज्य सरकार ने वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लिपकार्ट हैज टाइड अप विद विच स्टेट गवर्नमेंट्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। राइट आंसर इज ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ साझेदारी की है। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को अपने व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश स्टेट की बात हुई है, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट गोविंद माथुर हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट्स की, तो 80 है, राज्यसभा सीट्स 31 है और विधानसभा सीट्स 404 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल ऑब्जर्व्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 9 अगस्त। तो फ्रेंड्स, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त को मनाया गया है। फ्रेंड्स, डेज वाले क्वेश्चन में थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल 2020 की थीम है कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रेजिलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एयरपोर्ट हैज स्टार्टेड एयर सुविधा पोर्टल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। फ्रेंड्स, नई दिल्ली हवाई अड्डे ने एयर सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, इस पोर्टल की मदद से भारत में आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन प्रक्रिया से छूट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर विच कंट्री। राइट आंसर इज ऑप्शन ए मालदीव्स। फ्रेंड्स, भारत ने मालदीव देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट को विस्तारित किया है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हुई है मालदीव कंट्री की। मालदीव एशिया कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, कैपिटल माले है, करेंसी मालदीवियन रुफैया है और मालदीव्स के करंट प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च्ड एमएसएमई सक्षम पोर्टल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी सिडबी। फ्रेंड्स, सिडबी ने एमएसएमई सक्षम पोर्टल को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, एमएसएमई सक्षम पोर्टल के जरिए छोटे कारोबारियों को मदद मिलेगी। इस क्वेश्चन में एमएसएमई की बात हुई है। एमएसएमई स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। फॉर्मेशन 2007 को हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में सिडबी की भी बात हुई है। सिडबी स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फॉर्मेशन 2 अप्रैल 1990 को हुई थी, हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है और करंट सीईओ मोहम्मद मुस्तफा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड एनवायरमेंटल इमरजेंसी सिचुएशन ओवर एन ऑयल स्पिल कॉज्ड बाय अ जापानीज शिप। राइट आंसर इज ऑप्शन बी मॉरिशियस। तो फ्रेंड्स, मॉरिशियस देश में जापानी जहाज से तेल रिसाव होने के कारण पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई है।
फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हुई है मॉरिशियस कंट्री की। मॉरिशियस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। कैपिटल पोर्ट लुइस है, करेंसी रुपी है और मॉरिशियस के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जुगनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आरबीआई हैज फॉर्मड विच कमेटी टू ओवरसी द रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स क्रिएटेड बाय कोविड 19। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, केवी कामत कमेटी। फ्रेंड्स, आरबीआई ने कोविड 19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए केवी कामत कमेटी का गठन किया है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात आरबीआई की हुई है। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इंडिया के सारे बैंकों को रेगुलेट करता है। फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर यानी कि 25th गवर्नर मिस्टर शक्तिकांता दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आरबीआई हैज अलाउड बैंक्स टू लैंड अप टू व्हाट परसेंट अगेंस्ट गोल्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 90%। फ्रेंड्स, आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य पर 90% तक लोन देने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बैंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया ड्यू टू साइबर अटैक्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यूरोपियन यूनियन। फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन ने साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड 5% रिजर्वेशन टू मोर बैकवर्ड क्लासेस इन जुडिशियल सर्विसेज। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राजस्थान। फ्रेंड्स, राजस्थान राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा में अधिक पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में राजस्थान स्टेट की बात हुई है, तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं, गवर्नर कलराज मिश्रा हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती हैं। फ्रेंड्स, राजस्थान की लोकसभा में 25 सीट्स हैं, राज्यसभा में 10 सीट्स हैं और विधानसभा में 200 सीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, NHAI हैज टाइड अप विद विच IIT। NHAI ने किस IIT के साथ समझौता किया है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, IIT दिल्ली। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में NHAI की बात हुई है, तो फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फॉर्मेशन 1995 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और NHAI के करंट चेयरमैन सुखबीर सिंह संधू हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री किसान सहाय स्कीम। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गुजरात। फ्रेंड्स, गुजरात राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को शुरू किया है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में गुजरात की बात हुई है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट विक्रम नाथ हैं और फ्रेंड्स, गुजरात की लोकसभा में 26 सीट्स हैं, राज्यसभा में 11 सीट्स हैं, विधानसभा में 182 सीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 12th अगस्त। फ्रेंड्स, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और फ्रेंड्स, इंटरनेशनल यूथ डे 2020 की थीम है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज रिलायंस रैंक इन फॉर्च्यून टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज लिस्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 96। फ्रेंड्स, फॉर्च्यून की टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज की लिस्ट में रिलायंस की रैंक 96 है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको टॉप 3 पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पे वॉलमार्ट है, सेकंड नंबर पे सेनोपैक है और थर्ड नंबर पे स्टेट ग्रिड है। और फ्रेंड्स, इसको इशू करने वाली अथॉरिटी का नाम फॉर्च्यून मैगजीन है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी बात हुई है, तो फॉर्मेशन 8 मई 1973 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है, फाउंडर धीरूभाई अंबानी थे, चेयरमैन एंड MD मुकेश अंबानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉल्टर रॉजर मार्टोस रूइस बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पेरू। फ्रेंड्स, वॉल्टर रॉजर मार्टोस रूइस पेरू देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पेरू कंट्री की बात हुई है, तो पेरू साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, कैपिटल लीमा है और करेंसी सोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हसन दियाब हैज रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट।
किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए लेबनन। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में लेबनन कंट्री की बात हुई है, तो लेबनन एशिया कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, कैपिटल बेरूत है, करेंसी लेबनीज पाउंड है और करंट प्रेसिडेंट मिचेल आउन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज होल गवर्नमेंट रिजाइंड? राइट आंसर इज ऑप्शन बी लेबनान। फ्रेंड्स, लेबनान देश की पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। फ्रेंड्स, लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए भीषण धमाके के बाद जनता के आक्रोश का सामना कर रही सरकार ने इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड अर्बन फॉरेस्ट लैंड? राइट आंसर इज ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शहरी वन भूमि प्रदान करने की घोषणा की है। और फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ इंडिया की पहली स्टेट है जो अर्बन पीपल को फॉरेस्ट लैंड प्रोवाइड करेगी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ की बात हुई है, तो छत्तीसगढ़ की फॉर्मेशन 1 नवंबर 2000 को हुई थी। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं, गवर्नर अनुसुईया उइके हैं, छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस पी आर रामचंद्रा मेनन हैं। छत्तीसगढ़ की लोकसभा में 11 सीट्स हैं, राज्यसभा में 5 सीट्स हैं और विधानसभा में 90 सीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च्ड वर्चुअल विजिटिंग कार्ड्स फीचर? राइट आंसर इज ऑप्शन ए गूगल। फ्रेंड्स, गूगल ने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज टाइड अप विद अकोला सराफा एसोसिएशन? किसने अकोला शहर के सराफा संघों के साथ समझौता किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए बीएससी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बीएससी की बात हुई है, तो बीएससी की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फॉर्मेशन 9 जुलाई 1875 को हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरमैन विक्रमजीत सेन है और बीएससी के एमडी एंड सीईओ आशीष कुमार चौहान हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट वाईएसआर चेयूथा स्कीम हैज बीन स्टार्टेड? राइट आंसर इज ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने वाईएसआर चेयूथा योजना को शुरू किया है। फ्रेंड्स, इस योजना का चीफ ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल हेल्प देना विमेन को। एंड फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हुई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुई थी, कैपिटल अमरावती है, चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैं, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी हैं। और फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश की लोकसभा में 25 सीट्स हैं, राज्यसभा में 11 सीट्स और विधानसभा में 175 सीट्स हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स हर्मल चिलीज मोयरा बनानास एंड खाजे हैज गॉट जीआई टैग्स? राइट आंसर इज ऑप्शन ए गोवा। फ्रेंड्स, गोवा राज्य के खाजे, हर्मल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग मिला है। फ्रेंड्स, जीआई टैग स्टैंड्स फॉर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। यहाँ बात गोवा की हुई है, तो गोवा की कैपिटल पणजी है, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं, गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट दीपांकर दत्ता हैं। और फ्रेंड्स, गोवा की लोकसभा में 2 सीट्स हैं, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में 40 सीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज वर्ल्ड एलिफेंट डे ऑब्जर्व्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 12 अगस्त। फ्रेंड्स, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस? राइट आंसर इज ऑप्शन ए सुभाष श्योरान मुंद्रा। फ्रेंड्स, सुभाष श्योरान मुंद्रा को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, जो सुभाष श्योरान मुंद्रा हैं, ये आरबीआई के एक्स डेप्यूटी गवर्नर रहे हैं। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की फॉर्मेशन 2005 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंश्योरेंस कंपनी हैज स्टार्टेड अ स्पेशल रिवाइवल कैंपेन फॉर लैप्स्ड लाइफ पॉलिसीज? राइट आंसर इज ऑप्शन ए LIC। फ्रेंड्स, LIC इंश्योरेंस कंपनी ने लैप्स पॉलिसीज को फिर से चालू करने के लिए स्पेशल रिवाइवल कैंपेन को शुरू किया है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में LIC की बात हुई है, तो LIC की फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया,
फॉर्मेशन 1 सितंबर 1956 को हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है और करंट चेयरमैन MR कुमार हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अरुणोदय स्कीम, किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना को शुरू किया है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए असम। फ्रेंड्स, अरुणोदय स्कीम का ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना 17 लाख फैमिलीज को। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में असम की बात हुई है तो असम की कैपिटल दिसपुर है, चीफ मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल हैं, गवर्नर जगदीश मुखी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट अजय लांबा हैं और फ्रेंड्स असम की लोकसभा में 14 सीट्स हैं, राज्यसभा में 7 सीट्स हैं और विधानसभा में 126 सीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स व्हाट इज मुकेश अंबानीज रैंक इन वर्ल्ड्स मोस्ट रिच पीपल्स लिस्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 4। फ्रेंड्स, ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी 4th नंबर पर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमें ये भी पता होना चाहिए कि टॉप 3 कौन है। तो पहले नंबर पे अमेजॉन कंपनी के जेफ बेजोस हैं, 2nd नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हैं, 3rd नंबर पे फेसबुक के मार्क जकरबर्ग हैं और 4th नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन एंड MD मुकेश अंबानी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड Arrow 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर, किस देश ने Arrow 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इसराइल। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में इसराइल की बात हुई है तो इसराइल कंट्री एशिया कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, कैपिटल जेरूसलेम है, करेंसी इसराइली शेकेल है और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अटल इनोवेशन मिशन हैज लॉन्च्ड स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 विद विच कंपनी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी डेल टेक्नोलॉजीज। फ्रेंड्स, अटल नवाचार मिशन ने डेल टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CCI हैज अप्रूव द जॉइंट वेंचर बिटवीन विच टू कंपनीज, CCI ने किस कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम के निर्माण को मंजूरी दी है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज बोथ होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड एंड हिताची लिमिटेड। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में CCI की बात हुई है। CCI स्टैंड्स फॉर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन 14th अक्टूबर 2003 को हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, चेयरमैन अशोक गुप्ता हैं और CCI के सेक्रेटरी PK सिंह हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलायंस फाउंडेशन हैज लॉन्च्ड WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज विथ होम। राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ A and B। फ्रेंड्स, रिलायंस फाउंडेशन इंडिया ने US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ मिलकर WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज लॉन्च्ड अ फाइल शेयरिंग फीचर नेम्ड एज नियर बाय शेयर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए गूगल। फ्रेंड्स, गूगल कंपनी ने फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाय शेयर को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड इट्स न्यू कैंपेन इतना आसान है फॉर सेलर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी अमेजन। फ्रेंड्स, अमेजन ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान को शुरू किया है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में अमेजन की बात हुई है तो फॉर्मेशन 5th जुलाई 1994 को हुई थी, MD and CEO जेफ बेजोस हैं और अमेजन कंपनी का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल सिटी में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सेलिब्रेटेड पेट्रियॉट्स डे ऑन 13th अगस्त। राइट आंसर इज ऑप्शन डी मणिपुर। फ्रेंड्स, मणिपुर राज्य सरकार ने 13 अगस्त को देश में भगत दिवस यानी कि पेट्रियॉट्स डे मनाया है। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो मणिपुर राज्य के लोगों ने 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान किया था और इसके उपलक्ष्य में पेट्रियॉट्स डे मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में मणिपुर स्टेट की बात हुई है तो मणिपुर की कैपिटल इम्फॉल है,
चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह हैं, गवर्नर नजमा हेपथुल्ला है। मणिपुर की लोकसभा में 2 सीट्स हैं, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में 60 सीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी राकेश अस्थाना। फ्रेंड्स, राकेश अस्थाना BSF के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में BSF की बात हुई है। BSF स्टैंड्स फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। मोटो है ड्यूटी ऑन टू डेथ। फॉर्मेशन 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और BSF के इंस्पेक्टर जनरल अभिनव कुमार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे विल बी नेम्ड आफ्टर होम। राइट आंसर इज ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी। फ्रेंड्स, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड पढ़ाई तुहार पारा स्कीम। किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना को शुरू किया है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स इन 2020। राइट आंसर इज ऑप्शन ए MCX। फ्रेंड्स, MCX कंपनी 2020 में भारत का पहला धातु सूचकांक बुलडेक्स को लॉन्च करेगी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में MCX की बात हुई है। तो MCX स्टैंड्स फॉर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972-2020 बुक। राइट आंसर इज ऑप्शन बी अर्जुन सुब्रमण्यम। फ्रेंड्स, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972-2020 शीर्षक पुस्तक को लॉन्च किया गया है। इसके लेखक अर्जुन सुब्रमण्यम हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुडुचेरी हैज सेलिब्रेटेड विच एनिवर्सरी ऑफ डी ज्योर डे ऑन 16th अगस्त। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 59th। फ्रेंड्स, पुडुचेरी ने 16 अगस्त को डी ज्योर दिवस की 59th वर्षगांठ मनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज प्रिसाइडेड ओवर द 4th ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप मीटिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन सी रशिया। फ्रेंड्स, रशिया ने ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की 4th बैठक की अध्यक्षता की है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ब्रिक्स की बात हुई है। ब्रिक्स की फॉर्मेशन जून 2006 को हुई थी। हेडक्वार्टर शंघाई में है जो कि चाइना में है। ब्रिक्स के चेयरमैन केवी कामत हैं और फ्रेंड्स, ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लॉन्च्ड येलो चेन सेंट्रलाइज्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। राइट आंसर इज ऑप्शन बी नागालैंड। फ्रेंड्स, नागालैंड राज्य सरकार ने येलो चेन एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज WHO विच चीफ साइंटिस्ट हैज बीन ऑनर्ड विद तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर स्पेशल अवार्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए सौम्या स्वामीनाथन। फ्रेंड्स, सौम्या स्वामीनाथन जो कि WHO की मुख्य वैज्ञानिक हैं, उन्हें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज डेवलप्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। राइट आंसर इज ऑप्शन बी DRDO। फ्रेंड्स, DRDO ने एंटी ड्रोन सिस्टम को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज सेलिब्रेटेड इट्स नेशनल मॉर्निंग डे ऑन 15th अगस्त। राइट आंसर इज ऑप्शन सी बांग्लादेश। फ्रेंड्स, बांग्लादेश ने 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 43rd पुण्यतिथि पर बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बांग्लादेश की बात हुई है। तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में है। बांग्लादेश एशिया कॉन्टिनेंट में है। बांग्लादेश की करेंसी टका है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वोकलिस्ट पंडित जसराज पास्ड अवे ही वॉज ऑनर्ड विद विच अवार्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए पद्म विभूषण।
फ्रेंड्स, गायक पंडित जसराज जी का निधन हुआ है, ये पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज स्टार्टेड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेट स्कीम। राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना को शुरू किया है। फ्रेंड्स, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इज इंडियाज इनिशिएटिव टू बिल्ड अ ग्लोबल इकोसिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज BEML हैज टाइड अप विद विच IIT फॉर सेटिंग अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ UAV एंड NASSCOM। राइट आंसर इज ऑप्शन बी IIT कानपुर। फ्रेंड्स, BEML ने पायलट रहित हवाई विमान और सामरिक मानव रहित हवाई वाहनों के विकास के लिए IIT कानपुर के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज पारसी न्यू ईयर्स डे ऑब्जर्व्ड। पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 16 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक। राइट आंसर इज ऑप्शन ए लुइस रोडोल्फो अविंदर करोना। फ्रेंड्स, डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति लुइस रोडोल्फो अविंदर करोना बने हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हुई है डोमिनिकन रिपब्लिक की। डोमिनिकन रिपब्लिक नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, कैपिटल सेंटो डोमिंगो है और करेंसी डोमिनिकन पेसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज रीनेम्ड मंडुवदिह रेलवे स्टेशन एज बनारस रेलवे स्टेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मंडुवदिह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज इंडियन अक्षय ऊर्जा डे ऑब्जर्व्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 20 अगस्त। फ्रेंड्स, 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुथूत फाइनेंस हैज टाइड अप विद होम फॉर प्रोवाइडिंग COVID-19 कवर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, मुथूत फाइनेंस ने COVID-19 कवर देने के लिए कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हुई है कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की। फॉर्मेशन 2015 में हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है और करंट MD एंड CEO महेश बाला सुब्रमण्यन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन पोस्टल सर्विसेज हैज इशूड पोस्टेज स्टैम्प्स फॉर कल्चरल साइट्स ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए यूनेस्को। फ्रेंड्स, भारतीय डाक सेवा ने भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट जारी किए हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में भारतीय डाक यानी कि इंडिया पोस्ट की बात हुई है। फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1854 को हुई थी और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज सद्भावना डे ऑब्जर्व्ड। सद्भावना दिवस कब मनाया गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 20 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द MD ऑफ DBS बैंक इंडिया। राइट आंसर इज ऑप्शन डी प्रशांत जोशी। फ्रेंड्स, प्रशांत जोशी DBS बैंक इंडिया के नए MD नियुक्त हुए हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में DBS की बात हुई है। DBS स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। फॉर्मेशन 16 जुलाई 1968 को हुई थी, हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, चेयरमैन पीटर सिया है और DBS बैंक के CEO पीयूष गुप्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च्ड पवित्रा पति एंड औषध तारा प्रोडक्ट्स फॉर फाइटिंग अगेंस्ट COVID-19। राइट आंसर इज ऑप्शन सी DIAT। फ्रेंड्स, DIAT ने COVID-19 के खिलाफ लड़ने के लिए पवित्रा पति और औषध तारा उत्पाद को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ADB हैज गिवन क्लियरेंस ऑफ लोन वर्थ हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स टू इंडिया फॉर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर। फ्रेंड्स, ADB ने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए $1 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हुई है ADB की। ADB की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। फॉर्मेशन 19 दिसंबर 1966 को हुई थी, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और ADB के करंट चेयरमैन मसात सुगु असाकावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज स्टार्टेड स्टॉक ट्रेडिंग सर्विसेज ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। राइट आंसर इज ऑप्शन ए पेटीएम।
फ्रेंड्स, पेटीएम कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ रिसेंटली रिलीज्ड ARIIA 2020 रैंकिंग्स। हाल ही में जारी ARIIA 2020 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, IIT मद्रास। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको टॉप थ्री पता होने चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पे IIT मद्रास है, सेकंड नंबर पे IIT बॉम्बे है और थर्ड नंबर पे IIT दिल्ली है। फ्रेंड्स, और ARIIA की फुल फॉर्म है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज लॉन्च्ड शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, SBI जनरल इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, SBI जनरल इंश्योरेंस ने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज ऑनर्ड विद स्टार 2020 ई साइटेशन सर्टिफिकेट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गणेश विलास लेंगरे। फ्रेंड्स, गणेश विलास लेंगरे को स्टार 2020 ई साइटेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज टॉप्ड इन रिलेशन विद द यूज ऑफ एलिफेंट्स फॉर टूरिज्म। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, थाईलैंड। फ्रेंड्स, पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की लिस्ट में थाईलैंड देश शीर्ष पर रहा है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको टॉप थ्री पता होने चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पे थाईलैंड रहा है, सेकंड नंबर पे इंडिया है और थर्ड नंबर पे श्रीलंका है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में थाईलैंड की बात हुई है। थाईलैंड एशिया कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, कैपिटल बैंकॉक है, करेंसी थाई भात है और थाईलैंड के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर प्रयुत चानो चा हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच IIT हैज इनॉग्रेटेड लोक कला अकेडमी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, IIT खड़गपुर। फ्रेंड्स, IIT खड़गपुर में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर इन बांग्लादेश। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विक्रम कुमार दुरई स्वामी। फ्रेंड्स, विक्रम कुमार दुरई स्वामी को भारत बांग्लादेश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक हैज स्टार्टेड डिजिटल बैंकिंग कैंपेन कॉल्ड डिजिटल अपनाएं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, PNB। फ्रेंड्स, पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल बैंकिंग अभियान डिजिटल अपनाएं को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन 15th August 2020 विच एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस डे हैज बीन सेलिब्रेटेड। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 74th। फ्रेंड्स, 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस की 74th वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ गो एयर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कौशिक खोना। फ्रेंड्स, कौशिक खोना गो एयर के CEO नियुक्त हुए हैं। फ्रेंड्स, कौशिक खोना विनय दुबे की जगह लेंगे। इस क्वेश्चन में गो एयर की बात हुई है। गो एयर की फॉर्मेशन 2005 में हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है, CEO कौशिक खोना है और फाउंडर एंड MD जे वाडिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लिस्ट रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विच यूनिवर्सिटी हैज गॉट रैंक 1। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जामिया मिलिया इस्लामिया। फ्रेंड्स, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको टॉप थ्री पता होने चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पे जामिया मिलिया इस्लामिया है, सेकंड नंबर पे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है और थर्ड नंबर पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, केरला। फ्रेंड्स, केरला राज्य सरकार स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन की रैंकिंग में शीर्ष पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैज टाइड अप विद ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली के परिवहन विभाग ने ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ COVID-19 टेस्ट। कौन सा राज्य सबसे ज्यादा कोविड टेस्ट कराने वाला देश का पहला राज्य बना है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज लॉन्च्ड सृजन पोर्टल। किसने सृजन पोर्टल को लॉन्च किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह।
फ्रेंड्स, राजनाथ सिंह इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चेतन चौहान पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कोरोना, हु वाज ही? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्रिकेटर। फ्रेंड्स, चेतन चौहान का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है, ये क्रिकेटर थे। फ्रेंड्स, चेतन चौहान पूर्व भारतीय क्रिकेटर होने के साथ साथ यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज अनाउंस्ड टू स्टार्ट डॉल्फिन प्रोजेक्ट? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉल्फिन परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, देश में नदियों और महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा के प्रोजेक्ट के लिए डॉल्फिन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन क्रिकेटर हैज अनाउंस्ड टू रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। फ्रेंड्स, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सिटी कोरोनास मोस्ट चीपेस्ट मेडिसिन फेविलो हैज बीन लॉन्च्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हैदराबाद। फ्रेंड्स, हैदराबाद शहर में कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो को लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज प्रिपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक मास्क फॉर इन यूनिवर्सिटी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जादवपुर यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, जादवपुर यूनिवर्सिटी ने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए हैं। फ्रेंड्स, जादवपुर यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक मास्क में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का प्रभाव होगा जो वायरस को मारने में सक्षम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी विल बी द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन टीम इन टोक्यो ओलंपिक्स? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आईएनएक्स ग्रुप। फ्रेंड्स, आईएनएक्स ग्रुप टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम की आधिकारिक प्रायोजक होगी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आईएनएक्स की बात हुई है। आईएनएक्स की फॉर्मेशन 1999 में हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है और करंट सीईओ आलोक टंडन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आपको आज की वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 103 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करवाए हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।